अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ आकिब मकसूद हाशमी। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स फ्रॉम PCHS फाउंडेशन बॉयज़ कॉलेज। आज हम लोग चैप्टर 18 स्टार्ट कर रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और इस चैप्टर 18 में जो पहला टॉपिक है वो बोहर एटॉमिक थ्योरी है। बेटा, लफ्ज़ एटॉमिक एटम से निकला है और स्पेक्ट्रा क्लासिफिकेशन को कहते हैं। किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करना उनकी करेक्टरिस्टिक, उनकी पोजीशन की बेस पर, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रा। अब ये भी कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी की सीरीज को करेक्टराइज कर देना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करती हैं, पैदा करती हैं ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन या इमिशन के दौरान। फिर स्पेक्ट्रम की जो एक एग्जाम्पल है वो रेनबो कलर है, जिसमें लाइट की डिफरेंट फ्रिक्वेंसी डिफरेंट पोजीशन पे या डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट पोजीशन पर अरेंज हो जाती है। इसको हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। बेटा, रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो इन ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होती है। फर्ज करो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट से जंप कर रहा है वो कौन सा है? एन ऑर्बिट। और जिस ऑर्बिट में जंप करके आ रहा है उस ऑर्बिट को आपने क्या कहा? पी ऑर्बिट। एन ऑर्बिट की एनर्जी को ई एन से और पी ऑर्बिट की एनर्जी को ई पी से जाहिर किया। और इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसको हम ई से जाहिर कर रहे हैं, तो ई किसके बराबर हो जाएगा? ई एन माइनस ई पी के। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट होता है, वापस आ रहा होता है, उस एनर्जी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? रेडिएशन एनर्जी। ये वही एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करके शिफ्टिंग की थी ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन या एक्साइटेशन के दौरान। प्लैंक्स लॉ के मुताबिक ई बराबर होता है एच म्यू के, तो एच म्यू बराबर हो जाएगा ई एन माइनस ई पी के। बेटा, ये बेसिक बोहर पोस्टुलेट्स थे जो बहुत